कहानी की शुरुआत में हम अंधेरे के देवता नल से मिलते हैं, जो क्लिंट ग्रह पर कैद है। उसका अतीत गहरे दर्द और विश्वासघात से भरा है। बरसों पहले प्रकाश की शक्तियों ने उसके साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। उसके द्वारा बनाए गए सिम्बियंट्स ने उसे धोखा दिया, उसे पराजित किए और जकड़ लिए। अब नल का एक ही उद्देश्य है, उस चमत्कारी कोडेक्स को खोजना जो उसकी कैद का ताला खोलेगा। वे अपने जने हुए जेनोफेज प्रजाति के क्रिएचर्स को आदेश देते हैं, जाओ ब्रह्मांड के कोने कोने को छान मारो और उस कोडेक्स को खोज लाओ। नल की आवाज में प्रतिशोध और क्रोध गूंज रहा है। जिस दिन मैं मुक्त हुआ, उस दिन मैं हर ग्रह को राख बना दूंगा और अपने धोखेबाज सिम्बियंट संतानों को समाप्त कर दूंगा। अगले ही पल वह ब्रह्मांड के अनगिनत पोर्टल्स खोलता है, जिसके जरिए वे ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर कोडेक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वैसे आगे की कहानी जानने से पहले सिम्बियंट्स और जेनोफेज के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नल सिम्बियंट्स और जेनोफेज का गॉड है, उसी ने इन दोनों प्रजातियों को बनाया। सिम्बियंट्स प्रजाति में अच्छाई और बुराई दोनों गुड है। सिम्बियंट्स ऐसे एलियन परजीवी है जो अपने होस्ट के साथ एक सिम्बियो बंधन बनाते हैं। बंधन में बंधने के बाद वे अच्छाई के लिए काम करेंगे या फिर बुराई के लिए, यह उनके होस्ट पर निर्भर करता है। जबकि जेनोफेज को सिम्बियंस का शिकार करने के लिए बनाया गया था। क्लिंट ग्रह से सीन सीधे अर्थ पर शिफ्ट होता है, जहां हम एडी ब्रॉ को मेक्सिको के एक बार में बटेंडर से बातचीत करते हुए देखते हैं। बटेंडर उससे उस घटना के बारे में बात कर रहा होता है जब उसकी फैमिली 5 सालों के लिए अचानक गायब हो गई थी। वैसे ये थानोस का करामात था, पर कैसे हुआ, किसने किया, ये सब उसे नहीं पता था। बातों ही बातों में वेनम को मस्ती चढ़ी तो वो एडी के लिए ड्रिंक बनाने लगा। उसके अंदर से अनगिनत हाथ निकलते देख बटेंडर की बहुत चौड़ी हो गई, लगा कि उसे ज्यादा चढ़ गई है। तभी एडी की नजर न्यूज पर गई। न्यूज पर सैन फ्रांसिस्को की एक रिपोर्टर रिपोर्ट दे रही थी कि डिटेक्टिव पैट्रिक मलगन मृत पाए गए हैं। इस सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस एडी ब्रॉ को तलाश रही है। आखिर वह पुलिस की पहुंच से कब तक बच पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। यानी अगर वह अपने शहर लौटा तो उसके घोड़े लग जाएंगे। तभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीस को देख उसे याद आया कि न्यूयॉर्क में एक जज है जो उसकी मदद कर सकता है। दरअसल एडी उस जज के बहुत सारे काले कान जानता है, उसे ब्लैकमेल करके वह अपना काम निकलवा लेंगे। यह बात उसने वेनम को बताया, फिर वे के पैसे देकर निकल गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पैसे देते वक्त वेनम का छोटा सा अंश क्वाइन में चिपक कर छूट गया। वे बार से निकलकर अभी कुछ दूर ही गए होंगे, तभी कुत्तों के रोने की आवाज आए। उस तरफ ताला लगा था, जिसे तोड़कर अंदर गए तो पूरा मामला समझ आया। असल में यहाँ बहुत सारे शिकारी कुत्तों को कैद करके रखा गया था। इतने में इन कुत्तों का स्मगलर सामने आया और एडी को हल्का नहीं लगा। एडी ने उसे प्यार से समझाया कि मुन्ना इन कुत्तों को जाने दे, इसके बाद मैं खुद बखुदा चला जाऊंगा। जब वह नहीं माना तो वेनम ने जोरदार किक मारा, जिससे वह फुटबॉल की तरह लहराता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। इससे पहले कि उसके चमचे एडी को गोलियों से भू डालते, वेनम ने उसे कवर कर लिया और वे दोनों मिलकर उनकी बैंड बजा दिए। अंततः कुत्तों को आजाद करने के बाद वेनम उन स्मगलर्स की मंडी खा गया। फिर वे चुपके से यहां से कट लिए, क्योंकि इनको पुलिस वगैरह के बछड़े में नहीं पड़ना था। इनके ठीक पीछे ही नोल का भेजा हुआ एक जेनोफेज आ चुका था। दूसरी तरफ हम एक अनजान शख्स को देखते हैं, जिसकी नजरों में एडी ब्रॉ आ चुका था। वे एडी को पकड़ने के लिए रिक स्ट्रिले को उस कैमरे की लोकेशन पर भेजे। यहीं पर उस बार्टेंडर का ध्यान वेनम के उस अंश पर गया जो मूव कर रहा था। बार्टेंडर जैसे ही उसे छूना चाहा, जनरल रिक्स उस अंश को एक ट्यूब में कैद कर लिए। बताए कि यह एक वायरस है जो उसके संपर्क में आते ही उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता। वैसे कुछ देर पहले एक आदमी आया था, बार्टेंडर बक दिया कि उसके 1012 हाथ थे जो उसके शरीर के अंदर से निकल रहे थे। इतना सुनते ही यह उसे बेहोश कर उठा ले गए। अगली सुबह तक जनरल रिक्स वेनम के इस अंश को लेकर एरिया 51 पहुंच चुके थे, जहां पर हम काफी सारे सिम्बियंस को देखते हैं जिन्हें कैद करके रखा गया था। उन्हीं के बीच वेनम के अंश को भी कैद करके रख दिया गया। ये है डॉक्टर टेडी पेन, जो यहाँ की इंचार्ज है। उन्होंने हाल ही में कुछ गजब का कारनामा किया है, जिसे दिखाने वो साथ रिक्स को भी ले गई। डिटेक्टिव पैट्रिक मलगन को जिंदा देख रिक्स हैरान रह गया, क्योंकि वो तो मर चुके थे। न्यूज में हमने देखा भी था, वे कैसे मरे, उन एलियन स्पीशीज की क्या कमजोरी है, कैसे उन्हें रोका जा सकता है। यही सब पता करने के लिए मलगन के शरीर को एक सिम्बियंस से जोड़ा गया तो वह जिंदा हो गए। यानी उनके शरीर में एक सिम्बियंस है। उस सिम्बियंस ने इन्हें चेतावनी दिया कि जल्द ही कुछ भयानक होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। कौन करेगा, कैसे होगा, यह वह बता नहीं सका, क्योंकि नल उसके दिमाग पर हावी होकर उसे मुंह नहीं खोलने दिया। असल में नल ने सिम्बियंस और जेनोफेज को कुछ इस प्रकार बनाया है कि उन सभी के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए नल क्या करने वाला है, इस सिम्बियंस को पता है। यही नहीं, जेनोफेज तो घायल होने पर अपने साथियों को सिग्नल भेजकर अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं। अगले ही पल वह इस सिम्बियंस के जरिए धमकाना शुरू किया कि अंधेरा सबको निगल जाएगा। दूसरी तरफ वेनम एडी को लेकर न्यूयॉर्क की फ्लाइट पर सवार हो चुका था, पर वे प्लेन के अंदर नहीं बल्कि ऊपर थे। प्लेन 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एडी की फटी थी। आखिरकार वेनम को उसे अपने आगोश में लेना ही पड़ा। वेनम के अपने असली अवतार में आते ही जेनोफेज को कोडेक्स की लोकेशन पता चल गई। अगले ही पल वह प्लेन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच प्लेन के ऊपर ही जंग छिड़ गई। किसी तरह वेनम ने उसे प्लेन के इंजन में झोंक दिया, फिर एडी के अंदर छुपकर प्लेन से कूद पड़ा। एडी समझ नहीं पा रहा था कि वेनम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अंततः वेनम उसका पैराशूट बना, तब जाकर उसके जान में जान आए। दूसरी ओर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एरिया 51 घूमने जा रहे थे, तभी उनके गाड़ी के ऊपर कुछ धड़ाधड़ गिरने लगा। असल
में वो जेनोफेज के टुकड़े थे जो प्लेन के इंजन से कटकर नीचे गिर रहे थे। नीचे गिरते ही वह फिर से अपने आप को हिल कर ली, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। इधर उस क्रिएचर को देखने और हवा में गोते लगाने के बाद एडी की हालत खराब हो चुकी थी। वो क्रिएचर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वैनम ने बताया कि वह एक मादा जेनोफेज थी। असल में अंधेरे के देवता नल ने उनके सिम्बियंस प्रजाति को बनाया और उन्हीं ने जेनोफेज को भी बनाया था। इस हिसाब से तो दोनों भाई बहन हुए, तो फिर वह लड़ क्यों रहे थे? भाई बहन हुए ये सही बात है, पर जेनोफेज को सिम्बियंस का शिकार करने के लिए बनाया गया था। असल में सिम्बियंस ने अपने ही जन्मदाता से बगावत करके उन्हें क्लिंट ग्रह पर कैद कर दिए। पर अब एक अरसे बाद देवता नल के आजादी की चाबी अस्तित्व में आई है, जिसे कहते हैं कोडेक्स। वो जो भी बताया एडी के पल्ले नहीं पड़ा। आखिर में ने वो उसके दिमाग के अंदर घुसकर समझाया कि अगर तुम मर गए तो मैं फिर से तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही है कोडेक्स। अच्छा हुआ कि यह कोडेक्स हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि एडी कभी मरा ही नहीं। मगर ऐसा नहीं था, वो एक बार मर चुका है और वह कोडेक्स उनके ही रीड के अंदर है, इसलिए तो वो जेनोफेज उनके पीछे पड़ी है। वैसे वो कोडेक्स तभी देख सकती है जब वैनम अपने असली रूप में होगा, इसलिए वैनम प्लेन के ऊपर भी अपने असली रूप में नहीं आ रहा था। वैसे वह अपना सर तथा पूंछ निकाल सकता है, मतलब उसे जेनोफेज से बचना है तो एडी के अंदर ही छिप कर रहना होगा। इस कोडेक्स से पीछा कैसे छूटेगा? उन दोनों में से कोई एक मरा तभी जाकर कोडेक्स खत्म होगा। मगर दोनों ही मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वे एक घोड़े को हवा हवाई बनाकर कट लिए। उधर जनरल को एक आदमी के प्लेन से कूदने की खबर मिल चुकी थी। वे अपनी टीम लेकर तुरंत उस एरिया का जायजा लेने पहुंचे। उनके आधुनिक उपकरणों ने सिम्बियंस और एडी को एक झटके में स्कैन कर लिया। रेक्स ने नया आदेश जारी किया कि एडी को मारकर उस सिम्बियंस को कैद कर लो। अगले ही पल उनके जाबांज मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पानी में कूद पड़े। वैनम और एडी बिजली की रफ्तार से पानी के अंदर गोता लगा दिए, मगर कुछ दूर जाकर एडी एक के हत्थे चढ़ गया। उस एजेंट ने एडी को गोली मारना चाहा, पर छीना छपी में एडी के हाथों उस एजेंट की जान चली गई। हालांकि वह उसे मारना नहीं चाहता था। वही वैनम को वे लगभग नेट में फंसा ही चुके थे, पर वह मछली फिर एक मेढक बनकर उन्हें मामू बनाकर निकल लिया। तभी उसने देखा कि आगे विशाल झरना है, अगर एडी उसमें गिरा तो उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे, इसलिए उसे उसकी मदद करनी ही पड़ी। जिसके चलते कोडेक्स की लोकेशन जेनोफेज तक पहुंच गई। उतनी ही रफ्तार से वह यहां आ पहुंची। देखते ही देखते रेक्स के एजेंट्स उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिए, मगर इन गोलियों का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। उनकी लड़ाई के बीच वैनम और एडी चुपके से वहां से कट लिए। एडी इन सब से अब थक चुका था और थके भी क्यों ना, जिसे देखो वही उसे मारने पर तुला था। पुलिस वालों से तो वह फिर भी निपट लेता, लेकिन ये स्पेशल फोर्सेस वाले और ऊपर से वह मंस्टर उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तेरे चक्कर में मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। उसकी यह बातें वैनम मजे लेकर सुन रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर टेरी मलगन से मिलने पहुंची। असल में जिस तबाही की वह बात कर रहा था वह आ चुकी है, उसने उनके कुछ लोगों को भी मार डाला। आखिर उस तबाही से यह कैसे निपट सकते हैं? डिटेक्टिव मलगन के अंदर जो सिम्बियंस था वह अपने असली रूप में आया और बताया कि वह यहां कोडेक्स लेने आए हैं, जिसकी मदद से अंधेरे का स्वामी नल आजाद होगा। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, वह तब से अस्तित्व में है। वह आजाद हुआ तो तुम्हारी हमारी हम सबकी पूरी नस्ल मिटा देगा और पूरे सृष्टि को खत्म कर फिर से अंधेरा कायम करेगा। उसके आजादी की चाबी सिर्फ उस काले सिम्बियंस के अंदर है। अगर उसके होस्ट या फिर उस सिम्बियंस में से किसी एक को मार दिया जाए तो कोडेक्स खत्म हो जाएगा और नल आजाद नहीं हो पाएगा। जनरल समझ गए कि उन्हें बस एडी को मारना है। उधर एडी भटकते भटकते एक फैमिली से मिला जो काफी मिलनसार थे। उन्होंने एडी को फटेहाल देख खाना दिया और साथ में लास वेगस तक लिफ्ट भी। वे एरिया 51 घूमने जा रहे थे क्योंकि मार्टिन को एलियन देखना था। वैसे क्या सच में एलियन होते हैं? जहां तक एडी को पता है एलियन नहीं होते, पर एक एलियन तो उसके अंदर ही था। इस सफर पर एडी की मार्टिन उसकी बीवी और बच्चों से अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। मार्टिन के बेटे ने एडी को चॉकलेट भी दिया जो कि वैनम को काफी पसंद था। लास वेगस पहुंचने के बाद मार्टिन ने एडी को चप्पल भी दिए। इन सब के लिए एडी ने उनका तहे दिल से शुक्रिया किया और वे अपने अपने रास्ते निकल लिए। वही पैदल चल चल के एडी के पैर की बैंड बच चुकी थी। इस हालत में वह एक कदम भी चलने के मूड में नहीं था। उसके जेब में भी सिर्फ $2 ही शेष बचे थे। इतने में तो वे शहर से बाहर भी नहीं निकल सकते। सामने पेरिस होटल देख वैनम ने उसे चौ खेलने का सुझाव दिया, क्योंकि वैनम माहिर खिलाड़ी है, वह पल भर में 20 का 200 हज बना देगा। एडी जैसे ही इंटर हुआ गार्ड बाहर का रास्ता दिखा दिया, भिखारियों के लिए एंट्री निषेध है। वैनम ने छत से उसका खोपड़ा फोड़ डाला। भिखारी किसको बोला भी? कुछ दूरी पर शूट बूट पहना एक शख्स दिखा, ये उसका कोट पैंट हथियाने चल दिए, पर वो जुवारी तो नशे में धुत था। उसने एडी के पैरों पर ही मूत्र विसर्जन कर दिया। वैनम ने एक रेप में उस कान खजूरे की बत्ती गुल कर दी। उसका कोट पैंट तो हथियार ही, ऊपर से उस गार्ड के सर फोड़ने का इल्जाम भी उस पर लगा दिए। शूट बूट में आते ही इन्हें होटल में एंट्री भी मिल गई। वैनम तुरंत 20 का 200 हज बना
बनाने में लग गया। उसके खेलने की स्पीड देख सब हैरान थे। आखिरकार वेनम उसे मालामाल तो नहीं पर कंगाल जरूर कर दिया। यही नहीं, हारने का सारा ठीकरा एडी और इस मशीन के ऊपर फोड़ दिया। उसे खेलने के लिए और पैसे चाहिए थे मगर एडी के पास नहीं थे। तभी उसकी नज़र मिसेस चन पर पड़ी, जिन्हें हमने पिछली मूवी में देखा था। वेनम से एक बार फिर मिलकर वो फूले नहीं समाए और उन्हें अपने पेंट हाउस पर इन्वाइट किया। असल में वो यहाँ से पैसे जीत जीत कर मालामाल हो चुकी है और आजकल इसी होटल के एक पेंट हाउस में रहती है। यहाँ उनकी लाइफ मस्त कट रही है। दूसरी तरफ पेरिस होटल के सीसीटीवी के जरिए जनरल रिक्स को एडी की लोकेशन पता चला है। ये बात वह अपने बॉस से साझा किया तो उसे एडी को पकड़ने की मंजूरी मिल गई। इधर मिसेस चेन के साथ ड्रिंक वगैरह लेने के बाद अलविदा करने का समय आ चुका था, पर वह वेनम के साथ एक लास्ट डांस करने की जिद करने लगी। डांस की बात हो और अपना वेनम मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एडी लाख समझाता रह गया पर वो बहक गया। अपने असली रूप में आते ही कोडेक्स की लोकेशन जेनोफेज तक पहुँच गयी। वह इनकी लंका लगाने निकल पड़ी मगर उससे पहले ही जनरल रिक्स आ धमके। उन्होंने वेनम को एडी के शरीर से निकालकर दोनों को कैद कर लिया। दूसरी ओर मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 पहुंच चुका था। मार्टिन के जो बचपन का सपना था वह आज पूरा हुआ। बस एक एलियन नजर आ जाता तो इनका टप सूखला हो जाता। तभी इनको अंदर घुसने की एक जगह मिल गई। यह एलियन देखने के चक्कर में अंदर घुसकर टावर पर चढ़ गए। वहीं एडी को डिटेक्टिव पैट्रिक मलगन के पास में ही कैद किया गया था। उन्हें जिंदा देख एडी चकित रह गया। आखिर वह जिंदा कैसे बचे? तब वो सिम्बियंस अपने असली रूप में निकल कर सारा मामला समझाया। वहीं हाईकमान से जनरल रिक्स को एडी को खत्म करने की परमिशन मिल चुकी थी। डॉक्टर टेडी मना करती रह गई पर रिक्स ने उनकी एक नहीं सुनी और बाहर लाकर उसे गोली मार दिया। किसी तरह वेनम आजाद होकर स्वीटी के अंदर छिपा था। उसने तुरंत रेक्स की बैंड बजा दी, साथ ही साथ साथ एडी को भी बचा लिया। इतने में वह जेनोफेज तोड़फोड़ कर लैब के अंदर घुसाए। कोडेक्स को बचाने के लिए मलगन में मौजूद सिम्बियंस उससे बजर पड़ा मगर वह ज्यादा देर तक उसे संभाल नहीं सका और देखते ही देखते उसका खुराक बन गया। पूरे लैब में अफरातफरी मच गई उस सिम्बियंस से निपटने के लिए। आखिरकार उन्हें वहां कैद सभी सिम्बियंस को आजाद करना पड़ा। देखते ही देखते वे सब अपना अपना होस्ट चुन लिए। उन सभी का एक ही लक्ष्य था, किसी तरह कोडेक्स को बचाना। वे सभी मिलकर जेनोफेज पर टूट पड़े मगर वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रही थी। इधर वेनम एडी में छिपकर भाग निकला। लाख इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद मार्टिन मान चुके थे कि यहाँ पर एलियन नहीं है, बहुत शांति है। यहाँ अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। इन्हें एक एलियन देखना था मगर यहाँ तो उनकी पूरी फौज थी। यहीं पर हम उस ट्यूब को देखते हैं जिसके अंदर वेनम के अंश को रखा गया था। वो ट्यूब इस झमेले में टूट चुका था। एक ट्यूब से बचा था जिसे डॉक्टर टेडी लेकर भाग निकली, क्योंकि उस जेनोफेज के ऊपर इनके गोले बारूद का कुछ असर नहीं हो रहा था। यहाँ से कट लेने में ही समझदारी थी। तभी भागते हुए एडी की नजर मार्टिन पर पड़ी। वो वेनम के सहारे उन तक पहुंचा तो वो डर गए कि एडी भी उन्हीं एलियंस में से एक है। वैसे वो एलियन नहीं बल्कि उसके अंदर एक अच्छा वाला एलियन है। उसने वेनम को उनके समक्ष भी किया। इतने में रिक्स ने जेनोफेज के ऊपर रॉकेट लॉन्चर दांग, जिससे टावर की पूरी बैंड बच गई। टावर गिरने लगा, उसी के साथ वे सब भी नीचे गिरने लगे। तब सिम्बियंस ने मिलकर उनको बचाया। ये देख जनरल रिक्स दुश्मन और दोस्त में फर्क समझ चुके थे। तभी वो जेनोफेज हिल करके फिर से उठ खड़ा हुई। इतने में टेरी ने उसको कार से ठोक दिया। जेनोफेज समझ चुकी थी कि यह उसके अकेले के बस का नहीं है, इसलिए वह नोल के पास सिग्नल्स भेजी। अगले पल उसने अर्थ पर जाने के पोर्टल खोल दिए। इनसे एक नहीं संभल रही थी। देखते ही देखते चार पांच और आ गए। आते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिए। मार्टिन और उसके परिवार का बचना लगभग नामुमकिन था। तभी एडी को एक आइडिया आया। वह सामने खड़ा बाइक लिया वेनम बना और भाग निकला। जनरल को बताते गया कि वो एक जगह सबको इकट्ठा करता है और तुम हवाई सपोर्ट लेकर वहां पहुंचो। कोडेक्स दिखते ही यह सब छोड़ छाड़ कर उसके पीछे पड़ गए। तब तक टेडी मार्टिन के परिवार को सही सलामत उनके बहन तक छोड़ाए। वही एडी कभी वेनम तो कभी एडी बनकर उनको एक ऐसी जगह ले गया जहां पर वेनम ने कुछ बड़ा करने की सोच रखा था। कहीं ना कहीं उसे पहले से ही अनुभव था कि वे जेनोफेज को रोक नहीं सकते। अगले ही पल हवाई हमला वगैरह सब फेल हो गए। हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। अपने एक साथी को बचाने के चक्कर में जनरल भी बुरी तरह घायल हो गए। ऊपर से जेनोफेज के आने की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। टेडी भी लुल हो चुका था, ये बुरी तरह हार चुके थे। यहां से बचकर निकलने से भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि वह कोडेक्स को हासिल करने के लिए एक के बाद एक आते ही रहेंगे। दोनों ने मान लिया कि उनकी मौत ही उनकी जीत का रास्ता है। वैसे मरने से पहले वेनम को स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने का बड़ा मन था, पर अफसोस वह ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। ये दोनों जाबांज जेनोफेज के सामने बाहें फैलाए खड़े हो गए कि आओ हमें पकड़ लो। अगले पल वेनम उन सबको अपनी आगोश में ले लिया, फिर उस पॉइंट की तरफ बढ़ चला जहां पर एसिड पाइपलाइन का पॉइंट था। वो रिक्स को उन्हें खत्म करने के लिए कहता है और जाकर उस पॉइंट पर खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ वो एडी को अपने से बाहर निकाल फेंकता है। इस तरह वेनम कोडेक्स को खत्म करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। जनरल भी मारे गए। उधर डॉक्टर टेडी को अपने सहकर्मी को बचाने के लिए एक सिम्बियंस का सहारा लेना पड़ा, यानी अब उसके अंदर भी एक सिम्बियंस है। वही एडी जब होश में
आया तो वह हॉस्पिटल के बेड पर था। एक कर्नल उसके दिलेरी और दुनिया पर आने वाले संकट को रोकने के लिए चाबा सदिए उसके ऊपर जो भी चार्जेस थे वो हटा लिए गए, मगर एक शर्त पर, उसे इस घटना को किसी से शेयर नहीं करना है वरना उसे जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एडी सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी गया, जिसे देखना वैनम का सपना था। तो दोस्तों, ये थी कहानी वैनम द लास्ट डांस की। वैसे इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें नलबक लाकर कहता है कि सारे ग्रहों पर मेरा राज होगा क्योंकि मैं अपनी रिहाई का दूसरा तोड़ ढूंढ चुका हूँ।